बॉलीवुड के सुपर खान को थी ये जानलेवा बीमारी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले दुबई में ट्यूबलाइट के सॉन्ग लॉन्च पर बताया कि वे एक पेनफुल फेशियल नर्व डिसऑर्डर से गुजर चुके हैं, जिसे मेडिकल साइंस में ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं और आम भाषा में सुइसाइड डिजीज। इस बीमारी के कारण पेशेंट में सुइसाइडल टेंडेंसीज दिखाई देती हैं। सलमान ने अपनी इस बीमारी का खुलासा पहले 2001 में किया था। सलमान ने उस वक्त अपनी हालत को बयान करते हुए कहा था, मेरी आवाज़ में एक फ्लेक्स और होर्सनेस है, पर इसकी वजह शराब नहीं है, क्योंकि मैं रमदान के दौरान शराब नहीं पीता। इसके लिए जिम्मेदार है मेरी ये बीमारी। इस वक्त मेरे पास अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अब सलमान ने अपनी इस बीमारी के बारे में बात करते हुए बताया, इस बीमारी की वजह से एक वक्त मुझ में भी सुइसाइडल टेंडेंसीज दिखाई देने लगी थी, और उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उसे पीछे छोड़ मुझे काम करना होगा। अब जब सलमान ने इस बीमारी को ओवरकम कर लिया है, हम आशा करते हैं कि सलमान 100 साल जिए और ऐसे ही अपनी फिल्मों से हम सबका मनोरंजन करते रहें। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। अब ससुर जी अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर चलेंगी बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। अब अमिताभ बच्चन की बजाय केबीसी को होस्ट करती दिखेंगी ऐश्वर्या। जी हाँ, इतने सालों से बखूबी कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने के बाद अब इस शो के मेकर्स अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करके अपकमिंग सीजन के लिए किसी फीमेल होस्ट को चाहते हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक इनकी तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, पर इस शो की सिग्नेचर लॉक किया जाए फीमेल वॉइस में सुनना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, केबीसी के इस नए होस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।